नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ पर आने वाले हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश। जी हाँ, अखिलेश यादव के स्वागत में यहाँ पर बकायदा तैयारियाँ चल रही हैं। तो दो स्कूली छात्र मिल गए हैं, दो किशोर बोल सकते हैं, किशोर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या चुनावी माहौल। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में। 11th में, अच्छा। यहाँ पे आए हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल जम गई है। क्या आप लोग रही है, सरकार क्या माहौल चल रहा है इस समय? मतलब इधर तो सही है, अब हम लोग की उधर गाजीपुर जिले में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग तो मऊ में है। अच्छा, हम मेरा घर गाजीपुर में है। अच्छा, तो उधर ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो उधर क्या लग रहा है, विधायक कौन आप लोगों के पता है? अभी तो इस समय कुछ नहीं हो रहा है, मतलब तो थोड़ा सा भी नहीं है, उधर चुनावी चर्चा नहीं है एकदम, थोड़ा सा भी। अच्छा, आप लोग गाजीपुर से पिछड़े यहाँ पर जाते हैं, इसलिए होता है क्या? मऊ जिला है और वहाँ से बॉर्डर पे मतलब। हाँ हाँ, तो ये बताइए कि जो इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ये जानते हैं? हाँ हाँ। कैसे मुख्यमंत्री हैं? मतलब अच्छे हैं, अभी आप जो उनका काम होगा वो कर रहे होंगे। हाँ, जैसे हम लोगों का काम है पढ़ना, तो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप अच्छे से पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, आपको पता होगा। हाँ हाँ, आप घर वाले जानते होंगे। तो ऐसे हमारे सरकार है, तो हमारी सरकार कैसी काम कर रही है? सरकार मतलब अच्छी है अभी तो, मतलब जैसे कि वो कुछ लोग जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो लोग न्यूज पढ़ते हैं, तो उन लोग पता होगा, हम लोग न्यूज पढ़ते हैं। सुनते हैं तो नहीं है, गरीबी भी कुछ दूर हुई, कुछ विकास हो रहा है गांव में। हाँ, विकास क्या, वही लैट्रिन बना है, लैट्रिन बना है गांव में, किसी किसी का शौचालय बना है। हाँ, और किसी किसी का बना है, किसी किसी का बना ही नहीं। अच्छा, और वही जो कॉलोनी आती है वो कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। अच्छा, जो लोग सही है, जो पैसा दे सकते हैं वो उन लोगों का है। अच्छा, पैसा देने पे कॉलोनी मिलती है? अब ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि जो लोग हम कई लोगों का देखें गांव में, वो लोगों का घर अभी तक सही से है नहीं, उन लोगों को कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिला, अच्छे वालों को मिल गया जो ठीक ठाक है। अच्छा, तो मतलब भ्रष्टाचार है? हाँ, जो योगी जी हैं कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, अब मुंह से कहना है कुछ भी कह देंगे तो। हाँ, अच्छा, जब जो कहते हैं वो है नहीं अभी, मतलब जैसे हमारे कहने का मतलब है कि इधर जो हम देख रहे हैं वही बता रहे हैं, अभी हमको ये पता थोड़ा ही कि योगी जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं। मतलब अच्छा, तो आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन भाई, क्या हाल है? सब ठीक है। चुनाव ना चर्चा था, ये जो अखिलेश यादव ना फिर योगी बाबा दोनों में तो क्या अच्छा लगे? अखिलेश जी कहाँ है? अरे कहाँ है, भर्ती वर्ती नहीं निकाल रहे हैं, दौड़ा दौड़ा दे पाथर हो गई है, ये पाथर हो गई एकदम। हाँ, ये बाबा भर्ती ना निकालते हैं? ना बाबा एकदम भर्ती ना निकालते हैं। तो कहाँ चाहत हो, कहाँ होके? बस आवे अखिलेश जी और का। अखिलेश जी भर्ती निकल जाए, तो यहाँ पे आए हैं, इस समय रहे हैं, जिला रहे हैं, मोदी जी योगी जी जिला रहे हैं। हाँ, तो आप गांव से आप लोग आते हैं, किसान परिवार से? पापा क्या करते हैं? पापा करते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा, बाहर कमाते हैं। यहाँ पे काम नहीं मिलता है? जैसे इधर काम बहुत कम काम मिलता है, इधर जो रहेगा वो किसानी कर लेगा तो उतना ही गुजारा है, नहीं तो काम बहुत कम है। जैसे कि अब कोई काम घर बना लेता है तो उसको घर बनाने का काम बहुत कम मिलता है, जब बाहर से कोई कमा के आएगा तो उसी को घर बनाने के लिए मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पापा कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं अभी। तो भाई, जो सरकार का दावा कर रही है कि इसमें अच्छा लोगों काम धाम मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है? नहीं, मतलब जो शहर में रह रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई वढ़ाई मिली उन लोगों को है, तो लेकिन हम लोग इधर है, कितना भी पढ़ेंगे काम जरूर रहेगा। मतलब जैसे सुबह उठो, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, फिर आओ, थोड़ा बड़ा काम है तो काम करो, फिर स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, तो काम है तो काम करो वरना पढ़ो, बस यही। अच्छा, गांव के लोग हैं तो जब करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गांव का स्वरूप है। हाँ। अच्छा, तो पहले नकल होती थी, आपको सुना होगा। हाँ, मतलब जी, जी। अब नकल होती है? नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, नकल बंद होने से फायदा है कि नुकसान है? नहीं, फायदा है। फायदा जैसे कि जो पहले नकल होती थी उससे लोग बिना पढ़े लिखे ही पास हो जाया करते थे, अभी उसकी जानकारी रखेंगे कि ये था तो इसके लिए वो हो गया, तो वो जानकारी रखेंगे तो आगे चल के वो याद रहेगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, जब तो एक लड़की थी तो कह रहे थे कि नकल नहीं होने से हम लोग नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो शहर के लड़के हैं वो तो पढ़ते हैं, गाँव वालों को तो सुविधाएं नहीं मिलती है, काम ही करना पड़ता है, नकल हो जाए थोड़ी सहायता मिलता था। वो सही है कि लेकिन हमारी गलती है कि हमें टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए, तो वही ना मतलब स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तो कहती है कि शहर से हम लोग कंपटीशन नहीं कर पाते थे CBSE बोर्ड वालों से, और उससे क्या था, सरकार थोड़ा ढील करती थी तो हम लोग उसके लड़ कंपटीशन में आते थे। तो वो बात नहीं, वो भी बात है, लेकिन
आप उतना ही पढ़ो जितना कि आपको याद हो सके। तो मतलब 30% मिले उतना ही में खुश रहो, जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। ये भी बात सही है, लेकिन वो कह रहे थे जिस शहर के लड़के रहते हैं अच्छा व्यवस्थाएं रहती हैं तो नंबर अच्छे पा जाते हैं, तो गांव वाले पिछड़ जाते हैं। फिर गांव के घरों में देखेंगे झोपड़ी है, करकट है, इसमें कहां मतलब उधर नहीं शहर वालों है तो एसी में बैठ के अपना आराम से। इसलिए तो नकल उकल होता था, गाँव में थोड़ा बहुत सहायता मिलता था। अब जो ओके लेकिन तो आप क्या चाहते हैं, अगर अखिलेश यादव की सरकार बने तो नकल हो कि फिर नकल ना हो तो अच्छा है, नकल ना हो तो अच्छा है। चलिए तो जाहिर सी बात है युवा हैं, बड़ी गांव तमाम हैं। और मैं पुनः आपसे बता दूं कि मेरी उपस्थिति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और यहां पर आ रहे हैं सपा के अखिलेश। अखिलेश आ रहे हैं तो सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनके कार्यक्रम की भव्य तैयारी में सपा के जुड़े हुए हैं। यहां पर कुछ छात्र भी आए थे, उनसे बातचीत हुआ। आगे भी तमाम मैं आपको चुनावी चक्कर पर बातचीत करता रहूँगा और आपको बताऊँगा क्या है पूर्वांचल का मूड, क्या है गाँव का मूड।